है कि हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक का ये 4 पिन का टाइमर है। ये जो हमारे पास ये टाइमर दिख रहा है, ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगने वाला टाइमर है। इस टाइमर में आप देखते हैं कि इसमें से 4 वायर निकली हुई है, 1 वायर, 2 वायर, 3 और ये 4 वायर, इसलिए हम इसे 4 वायर का टाइमर बोलेंगे। ये बहुत सारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इस टाइमर का प्रयोग किया जाता है। अब इस टाइमर की हमको ये समझना है कि हमारा टाइमर सही है खराब है, प्लस ये भी समझना है कि इन वायरों में से कौन सी वायर हमारी फेस की वायर है, कौन सी 2 वायर हमारी मोटर के लिए जाना है और कौन सी हमारे बजर की वायर है। अभी इनमें से हमको कुछ भी नहीं पता है। कलर कोटिंग करके हम बता सकते हैं लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे पास एक क्लैंप मीटर यानी मल्टीमीटर भी होना चाहिए। ये हमारे पास क्लैंप मीटर है, आप मल्टीमीटर भी का यूज कर सकते हैं। इसको कहाँ पे आप रखेंगे, बजर की रेंज में, ये दिख रहा है, तो इसको आप लाएंगे, ये बजर की रेंज में रखेंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो ये बजर में आप चेंज हो गया। जब दोनों में रखेंगे तो यहाँ से आपका कंटिन्यूटी आने लगती है। उसके बाद क्या, यह तो हमने लिया है बजर की रेंज, अब इसको हम चेक करने के क्या चीज से चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, इसके कुछ फॉल्ट भी है। पहला फॉल्ट है, कैसे आप पता करो कि हमारा ये टाइमर सही है, तो टाइमर को क्या करना है, सबसे पहले टाइमर को आप ऑन कर दीजिए। टाइमर जैसे ही ऑन होता है हमें एक टक 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 की आवाज आना चालू हो गई है। आप सभी को आ रही है आवाज, थोड़ा सा यहाँ कभी दे दीजिए, ठीक है। आपको ये जो आवाज आ रही है टक टक की, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका टाइमर है ये 50% सही है, 100% अभी आपन नहीं कहेंगे। यहाँ से पहली चीज तो हमने ये देखा कि यहाँ टक टक, लेकिन हमको ये देखना कि जो ये आवाज आ रही है टक 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 की आवाज आ रही है, ये कुछ सेकेंड बाद बदलनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ टक टक की आवाज के बाद थोड़ी देर के लिए रुकती है। इसका रुकने का क्या होता है, एक बार ये कंटिन्यूटी रनिंग को दे रही है और एक बार कंटिन्यूटी फेस के लिए हमारी स्टार्टिंग के लिए जा रही है। तो यहाँ से चाल बदलती है, तो ये चाल 5 से 7 सेकेंड बाद बदलती है। अगर ये चाल नहीं बदल रही है और एक ही रफ्तार में चल रही है, इसका मतलब हमारा जो टाइमर है वो खराब हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टक टक के साथ क्या होनी चाहिए, चाल भी बदलनी चाहिए। अगर यहाँ से कुछ सेकेंड बाद, 7 सेकेंड के बाद बदल नहीं रही है चाल को, इसका मतलब टाइमर खराब है। तो पहला तो ये हम समझ चुके हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी सारी वायरों में कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है, प्लस इसमें से ये पता करेंगे कि इन वायरों में से कौन सी वायर हमारी फेस की है, कौन सी वायर हमारी मोटर के लिए है और कौन सी वो वायर है जो हमारी बजर के लिए जाएगी। तो हम कैसे चेक करते हैं, देखिए इसको क्या करते थे, सबसे पहले इसको ऑन कर लिए हैं तो यहाँ से टक टक के। अब क्या करते हैं, दो यहाँ पर दो सिरे अलग रख देते हैं और दो सिरों को अलग रख देते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी तार में ऐसे लगा के दो तारों को यूज करते हैं और देखते हैं क्या कोई बीप आ रही है। थोड़ा देर रुकते हैं, 7 सेकेंड हम रुकेंगे, तो देखिए यहाँ कोई वजन नहीं आया, कुछ भी आया तो इनमें से हमको ये पता चलता है कि अभी फेस की वायर हमको नहीं पता है। हो सकता है फेस ये हो सकता है ये हो, लेकिन अभी इन दोनों में फेस नहीं पता चला। ऐसे हम इन दो वायरों को भी हम रख लेते हैं। सात से दस सेकेंड का हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, यहाँ भी हमें कोई बजर नहीं आया, तो अभी भी हमने फेस की वायर को नहीं पहचान पाए। तो अब क्या करेंगे, एक इसकी वायर और एक इसकी वायर लेंगे, यानी एक इस सिरे वाली और एक इस सिरे वाली, बाकी इन सिरों को ये अलग कर दिए, तो हमने बदल दिया। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ब्लैक में और एक रेड में रखते हैं। तो देखिए यहाँ बजर आ गया, आया और चला गया, यानी टाइमर सही है तो आएगा और चला जाएगा। तो देखिए यहाँ बजर आ रहा और देखिए थोड़ा देर बाद 7 सेकेंड बाद फिर आया, तो इसका मतलब आप ये समझते हैं इन दो वायरों में, रेड और ब्लैक में, एक फेस की वायर होगी। कौन सी होगी, एक फेस की वायर होगी और एक मोटर को जा। अब कैसे पता करें कि फेस की वायर कौन सी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दो तारों में से एक रेड लेते हैं और एक येल्लो लेते हैं, इसमें लगाते हैं, देखते हैं कोई बजर आ रहा है। कोई बजर नहीं आया, अगला हम इसको रखते हैं, देखते हैं क्या कोई बजर आ रहा है। कोई बजर नहीं आया, इसका मतलब जो ये रेड कलर की वायर ये फेस हो ही नहीं सकती है। अब ब्लैक कलर की वायर हम लेते हैं और येल्लो में लगाते हैं, ये देखिए ये बजर आ चुका है।
आ गई बजर। ये बजर आने का मतलब ये है, अब देखो इसको छोड़ के रेड में लगाते हैं, इसमें भी बजर आ रहा और 7 सेकेंड बाद इसमें भी आपको बजर आना चालू हो जाएगा। दोनों में बजर आया, जब आपको इन दोनों में बजर मिला तो इसका मतलब जो आपकी ब्लैक कलर की वायर है ये क्या है, फेस, फेस का इन यहाँ से होगी और ये दोनों वायर से फेस आउट होगा, इससे भी आउट होगा और इससे आउट, आउट होकर कहाँ जाएगा, आपकी मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट में। अब अगला जो ये वाली बस्ती है ये क्या है, बजर के लिए, किसके लिए बजर, इसको कैसे, इसमें रखे हमने और इसमें रखते हैं और क्या करते हैं, इसको लास्ट में ले आते, बंद करो आप उसी साइड, बंद होगा उसी साइड, ये देखो ये आ गया बजर। तो जिसमें आखिरी क्षणों में बजर बजे इसका मतलब ये क्या है, बजर रिंगर की हमारे लिए बजर की है, किसकी है, इस टाइप से हम ये हमारे पास जो 4 पिन का टाइमर है बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात करें चेक करने का तरीका क्या है, जिस एक वायर से, किससे, जिस एक वायर से दो वायरों में लगा 7-7 सेकेंड या 5-5 सेकेंड बाद कंटिन्यूटी आ रही है वो हमारी फेस होगा, और जिनमें दो में आ रही है ये हमारी फेस को आउट करने के लिए मोटर में लगने वाली वायर होगी, और जो लास्ट में अगर आ रही है तो वो हमारे बजर के। इस टाइप से हम 7 पिन के टाइमर को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई डाउट